कोविड 19 यानी कोरोना वायरस को लेकर रादौर के सरकारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज सरकारी अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की चेकअप से पहले अपने हाथ साफ करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। चिकित्सकों का इसके पीछे उद्देश्य कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों को जागरूक करना है। रादौर सरकारी अस्पताल के चिकित्सा डॉक्टर पल्लवी मारिया ने बताया कि अस्पताल में कई जगह अस्पताल में आने वाले मरीजों में उनके दीमारदारों के लिए साबुन व नल लगाए गए हैं ताकि वे हैंड वॉश के प्रति जागरूक बन कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सकें। आइए सुनते हैं चिकित्सक सरकारी अस्पताल रादौर के डॉक्टर पल्लवी मारिया ने क्या कुछ कहा। आज हमने भी यहाँ पे बाहर जगह जगह सोप रखे हैं, लिक्विड सोप्स रखे हैं ताकि आप अपने हाथ धो के ही अस्पताल में आए। और साथ में हमने एक फ्लू ओपीडी शुरू की है कि बुखार खांसी और इनके मरीज दूसरे कमरे में दिखाएं, वो दूसरी जर्नल पेशेंट्स के साथ मिक्सअप ना हो, तो उनके लिए भी वहाँ हाथ धोने का प्रावधान किया गया है। तो बार बार हाथ धोएं, अस्पताल में से जाने के बाद जरूर हाथ धोएं, और हमने यहीं पे सोप प्रोवाइड करवाया है। साथ में घर पे भी बच्चों में ये हैबिट इनकल्केट करें कि बार बार वो हाथ धोएं, स्कूल से आने के बाद हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, और कहीं बाहर जाते हैं तो हाथ धोएं। इसका ये जो वायरस है ये हवा से नहीं फैलता है, ये अगर कोई खांस रहा है तो ये सरफेस पे सेटल होता है और कहीं भी हाथ लगते हैं तो संक्रमण होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज ये है कि कफ एटिकेट्स और स्नीजिंग एटिकेट्स की जब हम ऐसी एरिया में हैं तो जब खांसे तो कवर करके खांसे, हाथों से कवर ना करें क्योंकि फिर उससे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। हमेशा अपनी आस्तीन में ही इसको, ताकि कीटाणु वहीं कंटेन रहें। हरियाणा के रादौर से लाजपत राय, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।